छतरपुर सेवाही संकल्प समिति द्वारा महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल सचाई कॉलोनी में वक्तव्य काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ की जिला तरुणी प्रमुख इंजीनियर दीप्ति प्यासी उपस्थित रही, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को आजाद जी के जीवन से देश के प्रति समर्पण भाव सीखने की प्रेरणा दी। बच्चों ने बनाए जीवंत चंद्रशेखर समिति संयोजक नवदीप पाटकर के अनुसार उद्बोधन कार्यक्रम के उपरांत आयोजित पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बच्चों ने अपनी कलाकारी से चंद्रशेखर आजाद जी को जीवंत ड्राइंग शीट पर उकेरा। दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। उनके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीप्ति प्यासी जी, जो कि जिला तरुणी प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ की, और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी के जो चित्र थे, पुराने चित्र, उनसे बच्चों को रूबरू कराया और साथ ही उन्हें निबंध प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से प्रोत्साहन दिया। समिति द्वारा 23 जुलाई यानी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर सरस्वती सिंचाई कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर आज आए हम लोग, और हम लोगों ने कुछ तैयारियां की थी, कुछ काव्य पाठ तैयार किए थे, कुछ आजाद जी के जीवन के बारे में कुछ किस्से कहानियां तैयार की थी, जिससे बच्चे जो है, हमारे छोटे भाई बहन जो है, उनको सुनकर कुछ प्रेरणा ले सके।